जी का जन्मदिन है। क्या बात, मैं इतनी समझदार ऑडियंस होगी तो मजा आएगा आज की बैठक में। मैंने इशारा भी नहीं किया और आपने तालियां बजा दी। एक बार फिर से बजाइए जरा जोरदार। अब जब मैं दो शब्द कहूंगा उसके बाद फिर से बजाइएगा। दो शब्द है महेश जी के लिए। प्राणों में नवरस लहराए, जीवन की हर ओर विजय हो। क्या बात, जन्म दिवस मंगलमय हो। आज की शाम शुरुआत तो होगी भजन के साथ, होनी ही चाहिए। उसके बाद गजलें होगी, जो जो शाम जवान होगी गजलों का रंग जमेगा। और उसके बाद पहले तो महेश जी गाएंगे, उसके बाद इनकी सुपुत्री मेरी बिटिया गरिमा गाएंगी। और आजम अली साहब हैं, कहाँ हैं, किधर है, दिखाई नहीं दे रहे, पीछे खड़े हुए, वो भी गाएंगे गजलें। लेकिन अब जो नाम मैं लेने जा रहा हूं, सबके साथ तालियां बजाइएगा, क्योंकि उनके बगैर ये महफिल पूरी होगी नहीं। तबले पर है शमशेर साहब, फ्लूट पर विनोद सहगल जी, कीबोर्ड पर दर्शन जी। और ये तालियां अचानक तेज हो जाएंगी जब मैं एक नाम लूंगा, चिंटू सिंह जी गिटार पर। तो ये सभी साहिबान हारमोनियम पर महेश शर्मा, नहीं हमारे यहां तो पेटी बोलते हैं। अरे मैम धनंजय साहब क्या बजा रहे हैं? अच्छा, और तो साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम का भी नाम तो था, मैं भूल गया क्या, संदीप जी। कौन है संदीप जी, आप संदीपा हैं या संदीप हैं? अच्छा कोई बात नहीं, तो इनसे मुलाकात हो गई आपकी। अब आपके और महेश जी के बीच में नहीं आऊंगा, उससे पहले कह देता हूं कुछ एक दो बात जो मुझे कहनी है कि मौसीकी कहते हैं संगीत को, मौसीकी जब शायरी पिरोती है तो गजल होती है। क्या बात, और जब झूम उठते हैं तन मन तो महेश जी गाते हैं भजन। भजन सुनिए। गुड इवनिंग, हमारे कुछ दोस्त जिन्होंने मुझे अक्सर भजन गाते देखा है, आज भी उन्होंने कहा कि हमें तो भजन सुनना है। तो हमने कहा चलो एक समझौता करते हैं, शुरुआत और अंत भजन से करेंगे और बीच में फिल इन द ब्लैंक गजल से करेंगे। शर्मा जी ने सबका परिचय दिया, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो महफिल का होता है उसका नहीं दिया, वो है आप लोग श्रोता। तो श्रोताओं के लिए एक तरह तो शुरुआत करते हैं। असल में जिनसे शुरुआत कर रहे हैं भगवान राम के एक भजन से, गजल के वो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी, धनुष तोड़ा, फिर अपनी प्रेमिका के लिए दूसरे देश में भी चले गए, वहाँ भी आप सब जानते हैं जो हुआ। तो ही वॉज ए फुल्ली डेडिकेटेड लवर। तो उनकी स्तुति में भजन से शुरुआत करते हैं, फिर आपके सामने हम कुछ गजल पेश करेंगे, कुछ एक दो गजल गरिमा गाएगी और फिर दूसरे आर्टिस्ट हैं। तो सिट बैक रिलैक्स, इस शाम का पूरा मजा लीजिए, कुछ खाना पीना भी पीछे चल रहा है, लेकिन इधर थोड़ा ध्यान दीजिए।
राम 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 श्री राम 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 प्रेम बोध मन से को राम 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 प्रेम बोध मन से को राम 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 श्री राम 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 प्रेम बोध मन से को राम 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 श्री राम 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 प्रेम बोध मन से को राम 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 माता पिता बंधु सखा सभी राम नाम माता पिता बंधु सखा
रखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्तन कल जीवन गजल की तरफ ले चलते हैं। आपकी आज्ञा हो तो गजल प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच का डायलॉग होता है और वो कितनी फॉर्म लेती है। उसमें जो टेंडरनेस जो मैसेज होता है वो इन बिटवीन द लाइंस होता है इनडायरेक्ट, तो उसे जितना शांति से समझ के आप सुनेंगे तो उसमें उतना ही आनंद आता है। और मजे की बात यह कि उसे जितनी बार अगर अच्छी पोएट्री हो जितनी बार सुनेंगे उतनी बार नया मजा आएगा। तो जो गजल मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं वो पहली बार गाई जा रही है, आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी। मैं हूं तुम हो और दुनिया है, हम दो हैं और हमारे खिलाफ पूरी दुनिया है, अगर ऐसा हो तो क्या हो, तौबा हो, सीधी सी बात है। लेकिन देखिए कितनी खूबसूरती से कही है। मैं हूं तुम हो और दुनिया तौबा है, मैं हूं तुम हो एक दुनिया सबसे बढ़कर तुमने एक नजर देखा,
सबसे बढ़ कर तुमने एक नजर देखा और यह दिल धड़का है तुम और यह दिल धड़का है तुम सारा Thank you.
जुमला है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इसके जब जहां जैसे कहा जाए वैसे इसकी मीनिंग हो जाती है। इज अवेलेबल कैट, किसी को कैजुअल नहीं मिले, अरे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही। थोड़ा सा और नजदीक हुए, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही। और जहाँ दिल से दिल की बात हो, अरे क्या बात है, आपसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है। तो देखिए तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, तुमने कहा आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने क्या समझा है? समझने का मसला जो ये है कि एक दिन हम बैठे थे, पंडित जी आए थे,